Actually, I wanted to begin, I want to speak English. I wanted to begin the discussion on Ambedkar from a vantage point of emotional contribution that Ambedkar has made to the Dalit masses in this country. मैंने अंबेडकर खुद उन्होंने जो लिखा हुआ है वो पहले पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ से मुझे शुरुआत करनी चाहिए लेकिन मेरा रिसर्च एजेंडा ये रहा कुछ एक लास्ट एक साल में कि मैं ये देखूँ कि अंबेडकरी औरतें जो हैं उनकी अपनी तरफ देखने का नज़रिया क्या है डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज The activists, as so they call themselves as the Ambedkari women, Ambedkari activists. But how do they look at themselves in relation to the nationalist movement, Gandhi's movement, and before that? So when I started looking at the Marathi autobiographies, मुझे मालूम नहीं कितना हिंदी में पढ़ने के लिए ये material available है, क्योंकि Ambedkar की movement तो शुरू महाराष्ट्र से हुई थी, और महाराष्ट्र की बहुत सारी औरतों ने उनका अपना आत्मचरित्र लिख दिया है और एक दलित आत्मचरित्र एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक सेक्शन है लिटरेचर का उसमें औरतों की भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रही है व्हेन यू रीड दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे थिंक ऑफ अंबेडकर नाउ थिंकिंग ऑफ हिम एज मसीहा एज गॉड एक्सेट्रा व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठ जो हम देखना चाहते हैं बाहर के लोगों को महाराष्ट्र का मेनस्ट्रीम लेफ्ट जो है जो बमन है उनको लगता है कि ये बहुत सारे इमोशनल टाइप का कुछ करते हैं रोते धोते रहते हैं ये लोग बहुत इमोशनल टाइप से रिस्पॉन्स करते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव वैंटेज पॉइंट दीज वेमेन विद इन द सेम फेमिनिस्ट मूवमेंट कम फ्रॉम अ वेरी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज नॉट हाउ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुड हैपन I disagree with mainstream feminists on this. I think without emotion, if we have played the leftist politics, it has failed miserably. Because without emotion, we have not been able to actually reach the cores of, within the hearts of Indian masses. हमने बहुत सालों से कहा कि भगवान नहीं है, तो भगवान के लिए जो 25 years movement हुई, उसके साथ देश जल गया और हम समझ नहीं पाए कि ये क्यों हुआ कि जो भगवान है ही नहीं वो राम के लिए इतना क्यों जला रहे वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस इंडियन मासेस होल्ड टू देयर रिलीजन राम क्या है उनके लिए हम नहीं समझ पाए इसलिए फिर बाद में जो सब कुछ हुआ उसके लिए हम दुखी तो हो गए लेकिन समझ नहीं पाए ये चल क्या रहा सिमिलरली वन I now believe that without understanding how an emotional contribution of Ambedkar has been done to the Ambedkari masses, we won't be able to even understand his intellectual and political contributions. These women again and again have said in very emotive Marathi that this man, Baba Saheb Ambedkar, jo hamara baap hai, hum kisi neta ko Baba bulate hain kya? Unhone ye kaha hai ki ami haam sa baap hai. हमारे बाबा ने हमें ही ब्रॉट अस फ्रॉम द डार्क डिचेस टू द लाइट कालो खातून उजेड़ा ही हैज ब्रॉट अस दिस जर्नी दैट ही हैज हेल्ड अवर हैंड एंड ही हैज ब्रॉट अस टू द लाइट दिस काइंड ऑफ इमोशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय संत परंपरा इन महाराष्ट्र बाय दोज विमेन टू विठोबा सो इट इज अ गॉड In some ways, but not a God the way we understand God in established religions. This is a God that plays with you. He does your vartan if you are a dasi. He does work with you. It's a God that is your friend, your child, your mother. This is the same kind of masiha that the Dalit women have written about in terms of Ambedkar. So with that, I want to begin to understand. His intellectual and political contribution from a lens of emotional contribution also. Thank you. Now on to the main speaker.